नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के अलग अलग हिस्सों में अरबी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसके पत्तों की पकौड़ी बनाकर खाना पसंद करते हैं, तो कुछ इसकी सब्जी, कुछ लोग तो इसे व्रत में फलाहार के रूप में भी खाया जाता है। अरबी बहुत अधिक लोकप्रिय सब्जी नहीं है, पर इसके फायदे चौंकाने वाले हैं। अगर आपको पता लगेगा कि इसके इतने सारे फायदे हैं, तो इसको आज ही आप लोग खाने लग जाएंगे। ये फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, दिल से जुड़ी समस्याओं के बचाव के लिए अरबी बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। अरबी में सोडियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा ये पोटेशियम और मैग्नीशियम के गुणों से भी भरपूर होती है, जिसके चलते ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। साथ ही ये तनाव दूर रखने में भी मददगार होता है। नंबर दो, एसिडिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो अरबी के पत्ते फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके लिए इसके पत्तों को डंठल के साथ लेकर पानी में उबाल लें। इस पानी में थोड़ा सा घी मिलाकर 3 दिनों तक कम से कम 2 बार लें। इससे आपको लाभ मिलेगा। मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है अरबी। अरबी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। अरबी खाने से इंसुलिन और ग्लूकोज की मात्रा का स्तर बढ़ता है, लिहाजा मधुमेह के रोगियों के लिए ये एक रामबाण से कम नहीं होता। नंबर चार, वजन कम करने में सहायक होती है। अरबी भूख को नियंत्रित करने का काम करती है। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर्स मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाते हैं, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। नंबर पाँच, पाचन क्रिया को बेहतर रखती है अरबी। अरबी में भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पाचन क्रिया बेहतर बनी रहती है और आप कुछ भी खाते हैं तो वो पचने लगता है और आपकी गैस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। नंबर छह, दानों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके शरीर में दाने हो गए हैं, जिसके लिए आपने बहुत सारा उपचार कराया है, लेकिन आपको आराम नहीं मिला है, तो एक बार अरबी के पत्ते ट्राई करें। इसके लिए इसके पत्तों को जलाकर इसकी राख को नारियल के तेल में मिलाकर लगाएं, आपको खुद ही फायदा नजर आने लगेगा। नंबर सात, कैंसर से बचाव के लिए अरबी बहुत ही फायदेमंद होती है। अरबी में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को विकसित होने से रोकते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने, जिस अरबी को हम ये समझते थे कि ये बहुत ही भारी होती है, ये पेट के लिए प्रॉब्लम करती है, तो उसमें कितने सारे गुण हैं। अगर आप अरबी नहीं खाते हैं, तो आज ही अपने खाने में अरबी को शामिल कीजिए और अरबी के इन फायदों को उठाइए। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।